अगला टॉपिक हम बाबू एक तलीय वनों का साम्य अवस्था पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ कंटेंट फोर्सेस, एक तलीय वनों का साम्य अवस्था हम पढ़ेंगे। और एक तलीय वनों का साम्य अवस्था क्या है, जब किसी वस्तु पर या जब किसी बिंदु पर एक तलीय बल क्या है। एक तलीय का मतलब इस तरह, मान यदि कोई वो बिंदु है, एक तलीय बल क्या है, किसी बिंदु पर कार्य करने वाले अनेक बलों के समूह, अनगिनत किसी बिंदु पर कार्य करने वाले अनेक बलों के समूहों को, किसी बिंदु, जैसे मान लिया कि वो बिंदु हो गया, वो बिंदु पर एफ वन वेक्टर बल क्रियाशील है, एफ टू वेक्टर बल क्रियाशील है, एफ थ्री वेक्टर क्रियाशील है, एफ फोर वेक्टर क्रियाशील है, एफ फाइव वेक्टर क्रियाशील है। तब कहने का मतलब किसी बिंदु पर कार्य करने वाले अनेक बलों के समूह को एक तलीय बल कहलाते हैं। कहने का मतलब किसी पिंड या किसी बिंदु पर या किसी वस्तु पर कार्य करने वाले अनेक बलों के समूह को एक तलीय बल कहलाते हैं। और ये बल साम्यावस्था में तब कहलाते हैं, ये बल साम्यावस्था में तब कहलाते हैं जब इनका परिणामी बल शून्य के बराबर होता है। तब किसी बिंदु पर चाहे किसी पिंड पर हम पहले दो बलों के लिए करेंगे और तब तीन बलों के लिए निकालेंगे। देखिए, ये वो बिंदु है, वो बिंदु पर दो बल F1 वेक्टर बल और F2 वेक्टर बल क्रियाशील है, एक इस डायरेक्शन में और एक क्या है, इस डायरेक्शन में, ये क्रियाशील है। तो कहने का मतलब किसी पिंड पर जब दो बराबर, जब किसी पिंड पर दो बराबर बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रियाशील रहते हैं तो ये बल क्या कहलाते हैं, साम्यावस्था में कहलाते हैं। देखिए कैसे होता है, मान लिया कि वो पिंड पर F1 वेक्टर तथा F2 वेक्टर दो बल क्रियाशील है तो इनका परिणामी बल कितना आ जाएगा, इसलिए परिणामी बल R वेक्टर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, क्लियर हो गया। लेकिन दोनों बराबर हैं दूसरे के विपरीत दिशा में, चूंकि F1 बराबर F2 वेक्टर, क्या है बेटा, एकदम जस्ट है, दो बराबर है, F1 वेक्टर बराबर F2 वेक्टर, लेकिन क्या है, एक का डायरेक्शन इधर है तो एक का डायरेक्शन इधर है, दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत बल है, क्या है, विपरीत। अगर इसको प्लस लेते हैं तो ये क्या होगा, माइनस, अगर इसको प्लस लेंगे तो क्या होगा, ये माइनस, कितना है आर वेक्टर बराबर प्रणाली का कितना होगा, और फिर अपन कितना रख दीजिए, माइनस एफ टू वेक्टर प्लस कितना हो गया एफ टू वेक्टर, ये पड़ गया, इसलिए आर वेक्टर बराबर कितना हो गया जीरो, परिणामी बल कितना हो गया शून्य के बराबर हो गया। जब परिणामी बल शून्य के बराबर हो जाते हैं तो ये बल क्या है, साम्यावस्था में कहलाते हैं। किसी बिंदु पर कार्य करने वाले अनेक बलों के समूह को एक तलीय बल कहते हैं, और जब इन बलों का परिणामी बल शून्य के बराबर होता है तब क्या होता है, ये साम्य अवस्था में कहलाते हैं। अब देखिए हम तीन बलों पर हम बात करेंगे, क्या करेंगे, तीन बलों पर बात कैसे करेंगे, तीन बलों के लिए देखो बात हाई, कोई और बिंदु हो गया, इसका तीन बल हम क्रियाशील कर रहे हैं। देख कैसे, एक बल इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक बल
इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक बल इस डायरेक्शन में लग रहा है। ये ओ ए हो गया, ओ बिंदु हो गया, ये आई ओ ए दिशा में हो गया, आई ए कितना हो गया ओ बी दिशा में, आई ए ओ सी दिशा में हो गया। ओ ए वेक्टर, ओ ए की तरफ कौन बल लग रहा है, एफ वन बल लग रहा है, ओ बी की तरफ कितना लग रहा है, एफ टू बल लग रहा है, आई सी की तरफ कितना लग रहा है, एफ थ्री बल लग रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि ओसी के बराबर, ओसी के बराबर और विपरीत दिशा में एक वेक्टर खींचेंगे, ओसी के बराबर और विपरीत दिशा में होगा। ओसी डैश लिख लिया, ओसी के बराबर ओसी डैश लिखा कि वेक्टर। अब इससे हम क्या बना लेंगे, एक समांतर चतुर्भुज की कल्पना करेंगे। क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज ऐसे खींचेंगे, इसके समांतर ये होगा, इसके समांतर ये हो गया, ये रेखा ऐसे नहीं होगा, इसके समांतर कैसे है? ये समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, तीन को तीन क्या होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए। अब हम तीनों बल को क्या कर लेंगे, अगर हम जीरो देखा देते हैं तो हमारा तीनों बल क्या होगा, साम्य अवस्था में हो जाएंगे। चित्र में, चित्र में OA वेक्टर बराबर F1 वेक्टर, चित्र में OA वेक्टर बराबर एफमन वेक्टर ओबी वेक्टर बराबर एफ टू वेक्टर तथा ओसी वेक्टर बराबर एफ थ्री वेक्टर है। ओसी वेक्टर के बराबर बराबर और विपरीत दिशा में ओसी डैश वेक्टर खींचा। इसके बाद ओ ए सी डैश बी, ओ ए सी डैश बी, इसके बाद ओ ए सी डैश बी, एक समानांतर चतुर्भुज का निर्माण किया। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम त्रिभुज OAC' में सदिश योग का
जब कर त्रिभुज नियम लागू करेंगे, क्या करेंगे त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम लागू करने पर कितना करेंगे देखो त्रिभुज, तो ऐसा इसको क्या कर तुमको समझाए देखो त्रिभुज बताइए हो गए, ये वेक्टर कैसे है इनको वेक्टर कैसे, त्रिभुज लागू करो तो त्रिभुज OA सी डैश में, त्रिभुज OA सी डैश में त्रिभुज नियम लागू करो, दो का योगफल तीसरे के क्या होता है बराबर होता है, ये कैसे वेक्टर चल रहा है, यहां से ऐसे चल रहा है एक चल रहा है, तो दोनों का योगफल क्या होगा तीसरे के बराबर हो जाता है, देख रहे हो दो को एक साथ जोड़ा जाता है, एक को क्या जाता है दो कदमों लगाकर बताए थे ना, एक साथ दो कदम, और एक बार एक कदम चलने पर अगर दोनों रास्ते एक साथ मिले तो दोनों का योगफल तीसरे के बराबर, सदी जो का त्रिभुज नियम क्या है दो कदम एक साथ किसी बिंदु पर चले और एक कदम उसी बिंदु तक पहुंचने में लगता है तो दोनों कदमों का जो तीसरे के क्या होता है बराबर होता है, तो कैसे हम लिखेंगे OA वेक्टर प्लस AC डैश वेक्टर बराबर कितना होता है OC डैश वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, अब देखिए हम यहां से कहीं कितना समझ है इसके लिए दो कदम OA और AC दो कदम हो गया और एक कदम अकेले क्या हो गया OC जैसे, तो चूंकि AC डैश वेक्टर बराबर कितना है OB वेक्टर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आपने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, इसलिए कितना हो जाएगा OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर, OB वेक्टर बराबर कितना हो गया OC डैश वेक्टर, अब इसको थोड़ा सा काटे हैं बना दीजिए, इसको कैसे बना देंगे इसको काटिए, क्यों काटेंगे तीनों चीज यहां आ गए, इसको ऐसे जोड़ देंगे, ठीक हो गया, अब यहां तो कोई दिक्कत नहीं है चूंकि OC डैश वेक्टर बराबर OC वेक्टर एक दूसरे के बराबर है तथा क्या है कि अगर इसको प्लस लेते हैं तो ये क्या होता है माइनस, अगर इसको प्लस तो यहां पर किसी को कर दो एक माइनस एक प्लस, OC डैश बराबर OC खींचा गया है और ये बराबर खींचा गया है तो ये कितना हो जाएगा OC डैश माइनस OC ले लो, चाहे इसको प्लस करो चाहे उसको माइनस करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो कितना हो जाएगा OC वेक्टर बराबर OC डैश थोड़ा देखें ऐसे गड़बड़ रहा है दोनों तरफ OC वेक्टर को पहले जोड़ दिए, क्या किया जाए दोनों तरफ OC वेक्टर को जोड़ने पर दोनों तरफ OC वेक्टर को जोड़िए बाबू OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर बराबर OC वेक्टर प्लस OC डैश वेक्टर, अब चूंकि OC वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा माइनस OC डैश वेक्टर, OC वेक्टर बराबर माइनस OC डैश कैसे हो गया, ये OC तो पहले लिया है इसके विपरीत खींचे हैं OC डैश, तो अगर ये प्लस होता है तो ये क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा,
और ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए ओसी बन क्यों लिया है, पहले ये वेक्टर था, ये वेक्टर था, और ये क्या था, ये वेक्टर था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ओसी बराबर कितना हो गया, रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर बराबर, इसके जगह पर रखिए ओ सी वेक्टर बराबर माइनस ओ सी डैश वेक्टर प्लस ओ सी डैश वेक्टर, इतना क्लियर हो गया। और ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे कट जाएगा, ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर इक्वल टू जीरो, मान रख दीजिए, देख रहे हो, इसलिए फाइनल कीजिए ओ ए वेक्टर बराबर कितना है, एफ वन वेक्टर है, ओ बी वेक्टर बराबर एफ टू वेक्टर है, आइए कितना है, एफ थ्री वेक्टर बराबर जीरो। तब कहने का मतलब फिर से समझ, एक तलीय बल क्या है, किसी बिंदु या किसी पेन या किसी वस्तु पर कार्य करने वाले अनेक बलों के समूह को एक तलीय बल कहलाते हैं, और इन बलों को साम्यावस्था में तब कहा जाता है जब इनका परिणामी बल शून्य के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और देखिए ये शून्य के क्या हो गए, बराबर हो गए, शून्य के बराबर हो गए, यहां पर भी शून्य के बराबर है और यहां पर भी क्या है, शून्य के बराबर है। तो ये दो काम है समय अवस्था में, तो ये दो को क्या होगा, जब दोनों बराबर हो, अगर तीन में क्या होगा, अगर दो का जो फल तीसरे के बराबर हो विपरीत, तब क्या होगा, इस समय अवस्था में कारण, ये भी बल समय अवस्था में और ये भी बल समय अवस्था में, क्यों है, इनका परिणामी बल कितने के बराबर है, शून्य के बराबर है। लेना होगा स्क्रीनशॉट, तो बाबू ले लो इसको,